आणि विभाग मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद, पानी दो पानी दो पानी दो। कोरोना से तो नहीं मरे लेकिन प्यास से मरेंगे जरूर। इलीगल बिल्डिंग खड़ी हो गई, उसने उसमें से टैपिंग ले लिया, फिर दूसरे ने ले लिया। किसी के पास अगर पैसे नहीं हो बिस्लरी कहाँ से लाएगा, खाना कहाँ से पकाएगा? कभी भी पानी की तकलीफ आज तक दूर नहीं हो पाई। टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में पानी की काफी किल्लत है, इसका जीता जागता उदाहरण मुंब्रा के सोमैया कॉलेज स्कूल के पास चांद नगर में देखने को मिला है, जहां एनसीपी के कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय महिलाएं पानी की टाकी पर चढ़कर पानी पुरवठा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। महिलाओं का कहना है कि उनके इलाके में पानी नहीं आता है और अगर आता है तो काफी रात में आता है, यानी कि महिलाओं को पानी के लिए रात भर जागना पड़ता है, मगर जागने के बावजूद भी पानी इन्हें नहीं मिलता है। मजबूरी पर पानी इन्हें खरीद कर पीने या घर के इस्तेमाल के लिए लाना पड़ता है। पानी की टाकी पर चढ़कर विरोध कर रही महिलाओं और पुरुषों का कहना है कि पानी की टाकी क्यों नहीं बनाकर दी जा रही है, अगर पानी की टाकी से पानी दिया जाए तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। स्थानीय नेताओं पर भी इन महिलाओं और पुरुषों ने अपनी भड़ास निकाली। इनका कहना है कि नेता सिर्फ वादे करके चले जाते हैं, मगर आज भी ये महिलाएं पानी के लिए मुसीबत उठा रही हैं। मगर आज इनका गुस्सा नेताओं से लेकर टीएमसी के पानी पुरवठा विभाग तक इस कदर फूटा कि पानी की टाकी पर चढ़कर ये महिलाएँ विरोध करने लगीं। हालांकि साथ में एनसीपी के यूनुस शहनवाज ऐसे कई कार्यकर्ता भी इन महिलाओं के साथ में आंदोलन करते हुए दिखाई दिए। हालांकि जिस पानी की टाकी पर चढ़कर ये महिलाएं विरोध कर रही हैं, इनकी मांग है कि इस पानी की टाकी को जल्द से जल्द तैयार किया जाए और यहीं से ही लोगों को पानी दिया जाए। क्या कुछ कहा है महिलाओं ने और एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने, सुनिए आप। अमीनाबाद में पानी का काफ़ी तकलीफ है, हम लोगों को पानी बराबर मिलता नहीं। एक तो रात में पानी आता है और अमीनाबाद के साथ में ये सब क्यों होता है? कभी भी वाल टूटता है, कुछ भी होता है, अमीनाबाद में होता है। अमीनाबाद में क्यों होता है ये सब? कितने साल से ये तकलीफ है? ये कम से कम 4-5 साल से हम लोग को तकलीफ है और ये हमेशा का है, समझो। ये काफी टाइम से हम लोग लाइट आती थी तो भी पानी आता था, लेकिन अभी तो वो भी नहीं हो रहा है। जब से वो वॉल बदली हुआ है तब से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। आप लोग ने कितनी बार कंप्लेंट की है पानी? 50 बार कंप्लेंट किए। भूख हड़ताल पे बैठे, पानी सेपरेट लाइन आई, उसके बाद भी पानी नहीं है। आगे जो वाल एक लग गया नहीं, हम लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है, जैसा पहले पानी लाइट जाने के बाद भी आता था ना, वो वैसा इस वक्त भी आना चाहिए। जो प्रेशर पहले पानी में हम लोगों को मिलता था वही प्रेशर अभी भी दीजिए ना, अभी क्यों नहीं दे रहे? इतना बारिश गिरा, इतना डैम फुल होने के बाद में भी जो पानी इकट्ठी क्यों हो रही है हम लोगों के पास? सिर्फ अमीनाबाद के साथ में क्यों? सिर्फ अमीनाबाद के साथ क्यों होता है? पानी सब जगह, बाकी सब जगह पे बराबर पानी पहुंच रहा है। दिन में जा रहा है, शाम में जा रहा है, सुबह जा रहा है, रात में जा रहा है, हमारे इधर ही क्यों रात में 1 बजे के बाद पानी आता है? हम लोग ने ऐसा क्या कर दिया जो हमारे इधर जो है 11:30 के बाद में पानी पहुंचता है? जागना पड़ता है बच्चों लोग के लिए, स्कूल के लिए, रात भर जाता पानी के लिए। 3 बजे 4 बज जाते हैं जागते जागते, कभी कभी पानी 3 बजे चले जाता, कभी कभी 3:30 बजे जाता, होता भी नहीं पूरी चाली का पानी भर के। हम लोग को इतनी तकलीफ होती है पानी की। और अभी ना दो तीन चार महीना पहले मीटिंग लिए थे सिराज डोंगरे भाई ने, और उन्होंने हमसे वादा किया था, शायद कुछ औरतें आई थी नाथे भाई के ऑफिस में, उन्होंने वादा किया था कि 3 महीने में हॉस्पिटल चालू करेंगे, पानी का चालू करेंगे, कचरे की लाइन चालू, लेकिन कुछ नहीं। कोरोना से तो नहीं मरे लेकिन प्यास से मरेंगे जरूर। हर जगह से है ना सबको सहूलत मिल रही, लेकिन हम लोग को ना कोरोना में सहूलत मिली है ना किसी चीज में मिली है, कुछ भी नहीं, कुछ भी। तो क्या फायदा? उससे अच्छा हम लोग आजाद है तो अपनी तरीके से हमको जीने दो। और ये मोहर्रम महीने में भी पानी की तकलीफ, यानी कि काम कर रहे हैं 11-12 बजे पानी आता है तो रात भर है ना हम लोग पानी भरू तो मर्दों को टिफिन कब देना, बच्चों को टिफिन कब देना, बच्चों को स्कूल कब भेजना? स्कूल चालू होगी क्या? रमजान में भी सहेली पकाते हैं, हम लोग पानी भरते हैं, हम लोग को रात का पानी नहीं चाहिए, चाहिए दिन में चाहिए। 2 या 3 दिन ही स्कूल जाते, 2 दिन तो खड़े होते ही होते हैं। भरपूर पानी चाहिए लेकिन दिन में चाहिए, जैसा आज से 7-8 साल पहले हम लोग एकदम सुकून से सुबह पानी भर के रात में सुकून की नींद सोते थे, वैसे ही चाहिए हम लोग को पानी। रात का पानी नहीं चाहिए, रात में भी दो तो सुकून से दो ना, लेकिन वो भी नहीं। 3 दिन अगर पानी नहीं, किसी के पास अगर पैसे नहीं हो बिस्लरी कहाँ से लाएगा, खाना कहाँ से पकाएगा? लॉकडाउन में तो और पैसे नहीं है,
कहाँ से लेके आने वो तो नहीं किसी को फिक्र होती है लाके ना वो करे बस अपना नाम झंडा ऊंचा करने के लिए आते हैं मीटिंग करते और चले जाते हैं तो पलट कर भी नहीं देखेंगे। अभी यहाँ पर ये टाकी के ऊपर आप लोग आके टीएमसी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, ये किस लिए लगा रहे थे और क्या मांग है आपका खास कर यहाँ पे आने? हम लोग की खास मांग ये है 4-5 महीना पहले हम लोग से वादा किया गया था कि पीछे से लाइन आ रही 24 घंटे आपके पास पानी रहेगा, ठीक है? वो कहाँ गए, कौन आके बोल के गए, वो लोग तो कभी पूछने भी नहीं आए। तो ये टाकी पे अभी आप आके क्यों यहाँ पे टाकी चालू करिए ना, टाकी चालू करेंगे तो पानी हम लोग टाकी से पानी मिलेगा तुमको, टाकी पे आके नारा लगा रहे हैं, अगर पानी मिलेगा तो कहीं और जाके नारा लगाएंगे। ये टाकी कितने सालों से बन रही है और क्यों ये रुकी हुई है, इसका काम क्यों रुका हुआ है जब पानी की यहाँ पर इतनी किल्लत है, महिलाएं परेशानी उठा रही है पानी के लिए, तो फिर इसको बनाया क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं इसको जो हल किया जा रहा है? देखो मैं थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूँ तुम्हारे को कि टाकी का तो ठीक है, आपका सवाल थोड़ा ये करता हूँ, जो अभी ये रिसेंटली 3 दिन का प्रॉब्लम ऐसा है कि परसों रात से अमीनाबाद शफीका कंपाउंड पीछे बाबू भाई चाल ये पूरा पट्टा जो स्लम एरिया है जो गरीबों का इलाका है उनको पानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तनवर नगर का एक वॉल खराब हो गया, वो वॉल खराब होने का वजह से ये पानी नहीं आ पा रहा है इनको। वॉल बनाने के लिए आज 2 दिन लगा रहा है पानी विभाग, क्योंकि वो इस मामले को सीरियस नहीं, उनके घरों में पानी है, लोगों के घरों में पानी नहीं है, उसको तकलीफ को उनका एहसास नहीं, अगर एहसास होता तो ये 2 या 3 दिन वॉल बनाने के लिए नहीं लगते। सबसे पहला मेरा ये सवाल, सुबह शाम इनको पानी की तकलीफ रहती, आज कैसे करके हमारे आमदार जितेंद्र आवार साहब को हमने कॉन्टेक्ट किया, उनके बोलने पे तुरंत हमने इनको टाइम बींग के हिसाब से आज इनको रिक्वेस्ट करके इनको हमने टैंकर प्रोवाइड किया, ताकि इनका बोलना था हमको टैंकर का पानी नहीं चाहिए, टैंकर की वजह से झगड़े होते हैं आपस में, ये होता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो फिर भी मजबूरी है तो उन्होंने टैंकर को आज एक्सेप्ट किया। रहा सवाल इस टाकी का जिसके ऊपर हम खड़े हैं, जहाँ तक मेरे नॉलेज से मैंने पता लगा है ये टाकी 20 से 30 लाख लीटर की टाकी है, जो अमीनाबाद धूम कंपाउंड ये सब को सैराब कर सकती है पानी से, मगर इसको अभी तक शुरू किया नहीं गया। इसके बारे में जो पुराने पानी खाते के साहब थे सोलंग के या सोनम ने साहब जो उनका नाम है, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा लॉकडाउन की वजह से काम बंद है, जैसा ही लॉकडाउन चालू हो जाएगा खुल जाएगा 15 दिन में ये शुरू हो जाएगा, तो ये 15 दिन कब होने वाले इसका कुछ पता नहीं है। तो हमारी ये आपके चैनल से हमारे माध्यम से ये रिक्वेस्ट है टीएमसी और ऑथोराइज डिपार्टमेंट पानी खाता के इसको जल्द से जल्द चालू करें और इन गरीबों को पानी के मसले से दूर करें, पानी एक बेसिक नीड है लोगों की, अगर वही नहीं मिल रहा है आज भी हिंदुस्तान के अंदर, हम तो बड़े शहर के बाजू में रहते हैं ठाणा जैसे बड़ी सिटी के बाजू में, और वहाँ के लोग अगर पानी के लिए तरस रहे आंदोलन निकाल रहे तो मैं इसको कोई डेवलपमेंट नहीं समझता हूँ। हाँ, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है वो क्या बोल रहे हैं इस मसले पे, वो क्या बोल रहे हैं? उनका ये लॉकडाउन की वजह से काम अटका पड़ा है, अब इसके ऊपर कैसा है कि ये मेन काम जो है टीएमसी और पानी खाता जो पानी डिपार्टमेंट है जिसकी जिम्मेदारी है पानी लोगों तक पहुंचाना, जब वो टैक्स लेते हैं पैसा लेते हैं तो पानी भी पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी, ये उनका फर्ज बनता है, उनका काम पहले बनता है, उसके बाद नगर सेवक इसके अंदर आते, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये टाकी को आप शुरू कर देंगे तो ये पूरा इलाके में कभी पानी की तकलीफ नहीं होगी। और जिस तरह आप बोलते हो कि सालों साल होता है, कैसा होता है, जो भी नेता आया, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, जो भी कॉर्पोरेटर आया उसने अपनी तरफ से पाइपलाइन डाला, पानी थोड़े दिन अच्छा हुआ, फिर एक इल्लीगल बिल्डिंग खड़ी हो गई, उसने उसमें से टैपिंग ले लिया, फिर दूसरे ने ले लिया, फिर प्रेशर कम हो गया, कुल मिला के इनका एरिया जो पड़ता है सबसे लास्ट पड़ता है, तो इन बिचारों को कभी भी पानी की तकलीफ आज तक दूर नहीं हो पाई। यूनुस भाई, आप ही की पार्टी के यहाँ के नगर सेवक है, आप ही का आमदार है फिर, और आपको ही एनसीपी को यहाँ पे आंदोलन करना पड़ा, क्या वजह से? ये आंदोलन नहीं बोला जाएगा, ये लोगों का आक्रोश है, एक लोगों का गुस्सा है ताकि हमारी आवाज हम किस तरीके से पहुंचाए। मैंने इस मोर्चे को यहाँ लाने के लिए हमारे आमदार से ही बात किया, तब जाके मैंने इनको लोगों को यहाँ पर बोला कि आप यहाँ जमा हो जाओ, यहाँ से कम हमारी आवाज़ उन तक पहुँचेगी ताकि वो हमारा काम जल्दी से जल्दी कर दे। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे डिपार्टमेंट से कि आप कम से कम अगर उनको थोड़ी सी भी शर्म होगी तो फौरन ये पानी का मसला हल करके इस टाकी को अगर उन्होंने शुरू कर दिया तो ये मसला मेरे ख्याल से
जिंदगी भर तो नहीं बोल, काफी सालों तक नहीं रहेगा पानी का पीछे के इलाकों। अभी आपने इलीगल टैपिंग की बात की, तो उसके ऊपर क्यों नहीं यहाँ पे लगाम लगाई जा रही है? उसके ऊपर लगाम लगाई जाती है, मगर क्या होता है फिर दूसरी लाइन आती है, फिर वो टैपिंग करता है। ये मिली भगत का काम है पानी। अगर इलीगल कनेक्शन पानी का कोई लेता है तो ये नगर सेवकों की जिम्मेदारी है कि उस पर कार्रवाई कराए। नगर सेवक खुद खामोश क्यों रहते हैं इस पर? देखो कार्रवाई भी होती है उन लोगों के ऊपर भी, मगर ये वाटर डिपार्टमेंट और ये जो एजेंट होते हैं जो पानी का, ये सब उनकी मिली भगत का काम है। वाटर डिपार्टमेंट अगर पाइपलाइन उनके आगे नहीं चल पाती है, नहीं चल पाने का सवाल नहीं है, वो मना करते भी होंगे, मुझे उसका पता नहीं, वो मना करते भी होंगे मगर नहीं हो पाता है, क्योंकि एजेंट और पानी वाटर डिपार्टमेंट की मिली भगत है। अगर वाटर डिपार्टमेंट अगर अपना स्ट्रिक्ट पाइप के ऊपर अगर बराबर चौकसी करे, बराबर निगरानी रखे, तो क्यों टैपिंग होगी?